तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो वीसी रखा है मैंने, दिस इज फॉर ज्योग्राफी स्पेसिफिकली। और कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर कर लूंगा अबाउट रिलेटेड टू नोट्स मेकिंग और ओवरऑल जो भी आपकी तैयारी चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वॉन्ट कि कोई बताए मुझे कि ज्योग्राफी में क्या सोर्सेज हैं जो हमें कवर करने चाहिए, जो मैंने बताया हुआ है। कौन बताएगा? बीवन बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग भाई। आपने बोला था फर्स्ट एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देने के लिए। कौन सिक्स सा सेवन एनसीआरटी एट है? इज 6 7 8 इज ऑप्शनल, बाकी 9 और 10 फर्स्ट रीडिंग करके 11th के जो एनसीईआरटी है, मे इट बी क्लास 11 के जो फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, दोज आर इम्पोर्टेंट। और क्लास 12 के सर जो ह्यूमन ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसको आपने फॉलो करने दिया था, एंड जीसी लियोंग आपने फॉलो करने दिया था, और एटलस एंड मैप्स। ठीक है, क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। यही सब चीजें हैं। तो बेसिकली नंबर वन पे एनसीईआरटी आता है। एनसीईआरटी आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, आई विल सजेस्ट कि 6 से 12 तक का ले लो। कोई ऐसा है जिसको लगता है 6 बहुत बेसिक है, 7 8 नहीं पढ़ना है तो मत भी पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। बट 9th to 12th का एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा। अब 9th और 10th का एनसीईआरटी क्या करना है आपको, उसको अच्छे से रीडिंग कर लो, अंडरलाइन वगैरह कर लो, हाईलाइट कर लो, सो दैट एक बार अभी पढ़ लिया, एक बार एग्जाम के पहले बस रिवाइज कर लेना है। कुछ चीजें होती है जो भूल जाते हो टाइम के साथ, इवन इफ दे आर वेरी सिंपल भूल जाओगे, उसके लिए दैट इज व्हाई यू जस्ट रिवाइज देम वंस मोर बिफोर द एग्जामिनेशन। बट मेन फोकस एरिया तुम्हारा होना चाहिए 11th एंड 12th का एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग का जो बुक है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है शायद उसका, तो वो वाला बुक उसका लेना है। अभी किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि 6 7 8 एंड 9th, इनका जो एनसीईआरटी है इनको तुम पहले पढ़ लो, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगी। मे बी 2 3 डेज में सभी फिनिश हो जाएंगी, बिकॉज पतली सी बुक्स होती है। बट उसमें से भी यू शुड हैव मतलब एक थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए क्या चीजें याद रखने वर्थ है उसमें से, वॉट शुड वी रिमेम्बर एंड वॉट वी शुड जस्ट इग्नोर। ठीक है, आपको जो भी लग रहा है याद रखने लायक है, सिंगल A4 शीट में भी आप उस पूरे बुक की समरी बना लोगे एंड आपको याद रहेगा। जो भी मैप वर्क है वो अभी स्टार्ट मत करो। तो जब आपने पूरा पढ़ लिया एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 9th, अभी है, इसके बाद आप जीसी लियोंग पढ़ लो। जीसी लियोंग क्यों पहले पढ़ लो, बिकॉज उसमें ज्योग्राफिकल कंसेप्ट समझा दिए हैं, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको समझा दिया है। अभी जब आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा पढ़ लिया है, देन यू विल स्टार्ट विथ क्लास 11th का एनसीईआरटी, विच जो कि इंडियन ज्योग्राफी पर है। आप 11th का दोनों पढ़ लो, 11th का दोनों पढ़ लोगे तो यू विल हैव अ जीसी लियोंग पढ़ लिया, 11th का एनसीईआरटी पढ़ लिया, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, जो भी फिजिकल एस्पेक्ट्स वगैरह है। इसके बाद आप क्या करो कि 12th का पढ़ लो एनसीईआरटी, वो इस पे ज्यादा है, ह्यूमन ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी इस टाइप की बातें की गई है, इंडिया का भी है वर्ल्ड का भी है, आप उसको पढ़ लो। अब इसमें से सारी चीज आपको याद रखने के लिए अगर देखा जाए तो 11th एंड 12th के एनसीईआरटी को तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह का कंप्यूटेशन कैसे होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी नहीं पूछा जाएगा कभी पेपर 1 में, पेपर 2 में अगर पूछा जा सकता है आपसे तो एटलीस्ट आप उन चीजों को यूज कर पाओ। ठीक है, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इंडिया कितना डेवलप ये वो सब कर रहा है, तो एटलीस्ट आपके पास ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट होते हैं बताने के लिए कि भाई अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके ये 3 पार्ट्स है, इंडिया इसमें अच्छा कर रहा है, इसमें खराब कर रहा है, इसके भी सब पार्ट्स ही है। आप सब कुछ हर जगह से पढ़ते रहोगे, बट अगर आपने एनसीईआरटी ये सब नहीं पढ़ी होंगी तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट कॉन्क्रीट पॉइंट्स इन द एग्जाम। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप 11th और 12th का एनसीईआरटी तो लर्न देम बाई हार्ट। ठीक है, सेम गोज फॉर जीसी लियोंग, उसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। जितने भी डिफरेंट टाइप के करेंट्स हैं, विंड्स के नाम होते हैं, टॉर्नेडो कहाँ बोलते हैं, साइक्लोन कहाँ बोलते हैं, टाइफून्स कहाँ बोला जाता है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। मैच द फॉलोइंग पेयर, करेक्ट इनकरेक्ट, हर टाइप के क्वेश्चन उस बुक से बन जाते हैं। तो आपको उस बुक को भी इसी तरह से पढ़ना है, दैट यू नीड टू मेमोराइज दीज 5 बुक्स। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग। अभी तो ये हो गया कि आपको बुक कौन कौन सा पढ़ना है, अप्रोच क्या रखना है, प्लस इसके अलावा एटलेस सब लोग ले लो। डू नॉट बिल्ड दिस टेंडेंसी कि कुछ भी मुझे समझ नहीं आता तो मैं गूगल करता हूँ। ठीक है, एटलेस रखोगे व्हेन यू लोकेट द प्लेसेस यूजिंग योर फिंगर एंड अ पेंसिल, तो आपको वो जगह हमेशा के लिए याद रहेगी। इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भाई
साउथ से नॉर्थ जाते टाइम कौन सी सिटीज किस ऑर्डर में आती है इंडिया में, या फिर अभी जैसे सबको पता है कि ये इसराइल गाजा और ये सीरिया वगैरह ईरान ये सब चल रहा है, तो वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उन नेशंस के कैपिटल सिटीज को जब आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो किस ऑर्डर में आकर होंगी। तो यू शुड बी रेडी फॉर दीज क्वेश्चन, और ये बहुत ही सिंपल होता है अगर आपने प्लॉटिंग किया हुआ है मैप पे। सर इंडिसेस रैंकिंग्स वगैरह के क्राइटेरिया के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या? यस बिल्कुल आ सकते हैं भाई। अभी जैसे लेटेस्ट से वो वाला था, एक मैंने पूछा था एक क्वेश्चन ऐसे जीनिस कोएफिशिएंट वाले पे, तो उसपे पूछा जा सकता है कि क्या मेजर करता है। प्लस कोई अगर इतना इम्पोर्टेंट इंडिस होता है, इंडेक्स होता है जैसे कि ये तुम्हारा एच डी आई है, ठीक है, तो एच डी आई के कॉम्पोनेंट से पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ एच डी आई, और बहुत ही ऑब्वियस से चार पांच ऑप्शन देंगे। अगर आपने याद नहीं किया होगा आप सही सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एंड जब तक आपने याद नहीं किया इट बिकम्स डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द रॉन्ग वन। इसीलिए जरूरी है कि अच्छे से पढ़ना इन सबको, ठीक है। तो एटलस का यूज मैंने बता दिया आपको। अब ब्लैंक मैप्स रखो अपने पास, ठीक है। कौन कौन से ब्लैंक मैप रखने है? इंडिया का फिजिकल प्लस पॉलिटिकल रख लो ब्लैंक मैप, ऐसे ही वर्ल्ड का फिजिकल प्लस पॉलिटिकल रख लो। तो अभी मैं दो तीन दिन के लिए घर गया था, तो जो मेरे पुराने नोट्स वगैरह वो मैं वहां से उठा के लाया, जस्ट शो यू कि किस तरह से मार्क कर सकते हो, ठीक है। वॉइस आ रहा सबको मेरा? यस सर। ठीक है, देखो जैसे ये मैंने मार्क किया था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो इसमें मैंने क्या किया है, इंडिया के फिजिकल फीचर्स दिखाए हुए हैं, पूरे इंडिया की दिखा दिए, ठीक है। बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो गया है, बट रिवीजन के टाइम काम आ जाता है कि अब जैसे कोई पूछ सकता है कि भाई कहाँ पे होता है जो हिंदू कुश और कुनलून कहाँ पे मीट करते हैं, सबसे ऊपर दिख रहा है क्रॉस बनाया हुआ है वो पामिर नॉट है। फिर इसमें अलग अलग मैंने रेंजेस दिखा के उसमें कौन कौन से पासेस लोकेटेड है वो बना दिए, ये सब एनसीईआरटी इसमें मिल जाएगा आपको आराम से। बट पॉइंट इज कि अगर एक जगह पे रखते हो ऐसी चीजें तो दिस इज हेल्पफुल इन रिवीजन, ठीक है। अब इसमें देखो सारे ज्योग्राफिक फीचर्स जितने मैंने सारे दिखा दिए, मालवा प्लेट्यू कहाँ आता है, अरावलीस कहाँ पे, विंध्यास कहाँ है, सतपुड़ा अजंता ये वो सब है, तेलंगाना प्लेट्यू कहाँ पे आता है ये देखो मैंने दिखाया हुआ है। इसमें मैंने रायल सीमा नहीं बनाया हुआ है क्योंकि मे बी जिस टाइम मैं तैयारी कर रहा था रायल सीमा दिखता नहीं है मुझे, उसमें दिखा नहीं होगा तो मैंने नहीं प्लॉट किया, बट तेलंगाना के जस्ट नीचे रायल सीमा है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मॉनसून जो रिट्रीटिंग होता है वो तेलंगाना प्लेट्यू में रेनफॉल नहीं लाता है बट रायल सीमा में लाता है, तो इस टाइप का प्लॉटिंग आप कर लो, ठीक है। अगर आप खुद पेन पेंसिल से ऐसे काम करोगे तो आपको चीजें याद रह जाएंगी एंड दिस विल बी हेल्पफुल टू बिल्ड योर मेमोरी। ये दूसरा एक बनाया था मैंने, इसमें क्या दिखाए, इसमें सारे मैंने रिवर्स मार्क किए हुए हैं, आई होप सबको दिख रहा होगा, रिवर्स मार्क कर दिए हैं, पीक्स दिखा दिए हैं। तो अब ये ऐसा क्यों किया है, देखो अब रटने के लिए तुम्हें अगर मैं बोल दूं कि भाई वेस्ट से ईस्ट में गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज को नेम करते जाओ, ऑब्वियसली ये तुम्हें टेक्स्ट में भी लिखा हुआ मिल जाएगा एनसीईआरटी में, बट प्लॉटिंग विल गिव यू अ बेटर पिक्चर। वो होता है ना पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स, इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स, तो वही वाली बात है कि यार आप प्लॉट कर लो, इट विल बी बेटर इन द लॉन्ग रन। तो ये ऐसे मैंने देखो इसमें रिजर्वॉयर डैम्स वगैरह भी दिखाए हुए हैं, तो जो भी आप पढ़ते जाओ आपके पास ये ब्लैंक मैप रहेगा। लेटेस्ट से कोई ऐसा रिजर्वॉयर जो न्यूज में आता है जो ड्राई हो गया है किसी स्टेट के बीच में उनपे वो चल रहा कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो जस्ट कीप ऑन मार्किंग इट इन योर मैप। ये वर्ल्ड का मैप है, ये मैंने इंडियन ओशन डायपोल पे बनाया था, अगर आपको लोअर राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा इंडियन ओशन डायपोल कैसे मेजर करते हैं, दो स्टेशन है लोअर राइट हैंड साइड पे देखना, डार्विन एक स्टेशन पे दिख रहा है भाई, आई होप दिखना चाहिए लोगों को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? सर दिख रहा है, सर दिख रहा है, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन तो दिखना चाहिए। तो देखो भाई YouTube पे देख लेना लेटर ऑन, अगर नहीं दिख रहा है अभी गॉट इट भाई, YouTube पे देख लेना तुम बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉइंट क्या है, अगर देखो लोअर राइट हैंड साइड पे देखोगे तो देयर इज अ डार्विन स्टेशन इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब जब तुम इधर आओगे तो ये देखो लोअर लेफ्ट साइड पे तहिती है,
ठीक है, ये यूएस में पढ़ता है, यूएस की टेरिटरी है वो, तो इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस लेते हो एंड दैट इज हाउ यू मेजर इंडियन ओशन डाइपोल। अब इंडियन ओशन डाइपोल कैसे बनता है, देखो मैंने दिखा दिया है, लोअर प्रेशर, हाई प्रेशर, एल नीनो कब बनता है, वार्म करंट जाता है। पॉइंट इज ये सब चीजें वर्ड्स में एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट है, बट यू इफ यू डिपेक्ट इट पिक्टोग्राफिकली थोड़ा सा इस टाइप से मैप वगैरह बना के, तो तैयारी अच्छी हो जाती है। ये जीसी लियोंग से बनाया था मैंने, तो इसमें मैंने सारे वार्म करंट, कोल्ड करंट, डेजर्ट्स दिखा दिए हैं सारे, ठीक है, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। पॉइंट इज कि जो भी आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी में, इफ यू कैन मैप इट तो ये याद रहेगा आपको। ये भी जीसी लियोंग से बनाया था, प्लस जो एनसीईआरटी है उससे अपडेट करते रहो। विंड्स के नाम दिखा दिए, ग्रासलैंड्स के कहाँ पे क्या क्या नाम है वो दिखा दिए, वर्ल्ड के मेजर ज्योग्राफिकल फीचर्स मैंने दिखा दिए, अपलाचियन माउंटेन्स दिखा दिए, इधर रॉकीज दिखा दिए यूएस की, फिर ऐसे अफ्रीका वगैरह में विंड्स के नाम दिखा दिए, साइक्लोन्स ये वो सब। पॉइंट वही है भाई कि जो भी आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी में, जस्ट कीप ऑन मैपिंग इट, क्योंकि वो उस तरह से याद करने में आसान रहता है, ठीक है। तो आई होप सबको अभी क्लियर हुआ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर हो जाना चाहिए आई गेस। कौन बताएगा मुझे मैंने क्या बोला अभी, जस्ट फिलिप तुम बताना कि व्हाट डिड आई जस्ट डिस्कस। सर आपने पहली बार बुक लिस्ट के बारे में बोला था कि 6 to 9 और 10, 11, 12 वाला, फिर नहीं नहीं, I'm just talking about the map work. Map work का बताना, only related. Okay sir. Blank maps print out करके रखना है, और इंडिया political, physical, world political, physical, and उसमें हमको जो पहला जो जो करेंट न्यूज में जो आ रहा है, जो पोलैंड के उस यूक्रेन के आसपास, कैस्पियन सी के आसपास के जो कंट्रीज है, उसके जो कैपिटल्स और उसके बाउंड्रीज, तो पहला बाउंड्रीज और कैपिटल्स को ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट के हिसाब से वो ध्यान रखना चाहिए, और इंडियन ओशन डाइपोल और इंसो के बारे में जो ब्लैंक मैप्स में अगर अगर लिखा जाए तो वो बेहतर रिकॉल कर पाएगा सर, ऐसा बताया आपने। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आई गेस कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारे लोगों को पहले से पता रहता है कि ठीक है ये पढ़ना है एंड वो सब चीजें करनी है, बट जस्ट बी क्लियर ऑन दिस थिंग कि जो भी आप ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे हो उसको जस्ट शो इट यूजिंग मैप्स, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, आपको याद रहेगा, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं दैट यू कैन रिमेम्बर इट। और एक फोटो आई विल जस्ट शो यू वन मोर फोटो, आई थिंक ये नहीं दिख रहा है, इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर, यस सर। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। देखो ये चीज मैं बता रहा था, जैसे ये वो है, दिस इज दैट रीजन वेस्ट एशिया, ठीक है। तो हमारे टाइम पे भी ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, थोड़ा ओरिएंटेशन में दिक्कत है फोटो का, बट मतलब समझ जाना अपने आप। इसे मैंने क्या किया है, जो मेन सिटीज उस टाइम यूज में रहती थी वो मैंने मार्क की हुई है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अगर नहीं मार्क करोगे एंड इफ समवन आस्क यू कि भाई किसका कैपिटल कहाँ है, कौन सा रीजन कहाँ पड़ता है, गल्फ ऑफ स्वेज मैंने मार्क किया हुआ है, इस वो जो हॉर्मुज का स्ट्रेट है वो सब, गल्फ ऑफ आडन वगैरह दिखा दिया है, तो वर्ड्स में बोलते रहोगे भूल जाओगे। जस्ट मार्क इट वंस एंड उसके बाद आपने एक बार मैप में कर लिया है, एक आप फाइल में इसको फाइल करते रह सकते हो, व्हाट एवर मैप्स यू आर मेकिंग, जैसे जैसे न्यूज आती जाए, न्यू रीजन विल कीप ऑन अपियरिंग, तो आप उसमें बस इसको अपडेट करते जाना, उस तरह से मेमोरी अच्छी डेवलप हो जाती है। दिस इज साउथ चाइना सी, उसी मैप में मैंने दिखाया हुआ है, सारे जितने सिटीज वगैरह मैंने मार्क कर दिए इसी में, क्योंकि साउथ चाइना सी भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता था उस टाइम, वॉलेटाइल था, अभी तो कम हो गया है बट उस टाइम बहुत ज्यादा चलता था ये। तो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। इस तरह से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं रिलेटेड टू ज्योग्राफी कीप ऑन मार्किंग देम इवन व्हाइल रीडिंग टेक्स्ट बुक्स. अगर आपको जैसे दे आर सेइंग समथिंग रिलेटेड टू द एडवांस ऑफ मॉनसून्स, तो आप मॉनसून का डायरेक्शन दिखा दो कि मॉनसून एरोस बना के कि कहां से कहां जा रहा है एंड क्या उसका डायरेक्शन है, किस टाइम पे वापस आता है, ऑल ऑफ दिस. ठीक है, विमन हैंड रेस किया तुमने पूछना. सर मेरा ये डाउट था कि आपने जो सिटीज मार्क किया है वो किस कॉन्टेक्स्ट से किया है. भाई दिस आर द नेम्स व्हिच कीप ऑन अपीयरिंग अगेन एंड अगेन इन द न्यूज़. भाई और क्या, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट. भाई तुम बार बार सुनते रहते हो हनोई हनोई हनोई. जैसे लेट अस से पीएम मोदी कहीं चले गए, डू यू नो वेयर हनोई इज, किसका कैपिटल है, इसके आसपास ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ कौन सी कंट्रीज है, उनकी कैपिटल्स कहाँ पे लोकेटेड है. पूरे वर्ल्ड में ये काम तो नहीं करने लग जाओगे कि चलो मैं पूरे वर्ल्ड की सारी सिटीज मार्क करने लग जाऊंगा रैंडमली. बट वॉट एवर यू सी न्यूज में आ रहा है, जो अब जैसे इसमें लेट अस से जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, व्हाट यू कैन डू इज कि इसका थोड़ा सा एनलार्ज्ड मैप उस एरिया का प्रिंट कर लो, उसमें चीजें मार्क कर लो. जब तुम्हें दिखता है कि ठीक है गाजा किधर पड़ रहा है, वेस्ट बैंक किधर पड़ता है, डेड सी कहां पर है, ये सारी चीजें उसमें मार्क कर लो. ठीक है, मे बी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा गोलन हाइट्स कहां पे है, उसकी क्या हिस्ट्री है देखो. ठीक है, पॉइंट इज मे बी दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम बट दिस विल एड योर प्रिपरेशन एंड मेमोरी ओवरऑल. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं ज्योग्राफी की. ज्योग्राफी में ध्यान देने वाली बात क्या है भाई, कि ज्योग्राफी से पेपर टू में क्वेश्चन पूछने जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम है. आई डोंट थिंक कि सीएपीएफएसी में तुमसे ये ऐसे पूछा जाएगा कि राइट एन एसे ऑन मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट एन एसे ऑन रिट्रीटिंग मॉनसून. ऐसे पूछ सकते हैं द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनसून, दिस इज मोर क्रॉस कटिंग एंड डाइवर्स काइंड ऑफ एन एसे, जिसमें तुम दिखा सकते हो कि जो मॉनसून रीजन है वो साउथ एशिया वाले इलाके में रहता है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी इस रीजन में एग्रेरियन है, प्लस जो भी इकोनॉमीज हैं उनका थोड़ा थोड़ा बात कर लोगे. तो दिस विल हाईलाइट द ओवरऑल इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनसून इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर फॉर द इकोनॉमी, और इस पर बात करोगे. बट प्योरली एक ऐसे ऐसा पूछा जाए जिसमें तुम ये लिखोगे भाई वहां पे लो प्रेशर बनता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से विंड इस डायरेक्शन में मूव करती है, फिर वो रिलीफ फीचर से विंड जब मीट करती है तो वहां पे इसका रेनफॉल होता है, ऐसा ऐसे नहीं पूछा जाएगा. तो ज्योग्राफी इज मोर ऑफ अ मेमोरी एंड प्रैक्टिस बेस्ड काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, तो ट्रीट इट एज सच. जितना मैप वर्क करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा. ठीक है, ये बात हो गई ज्योग्राफी की. अभी मुझे ये बताओ, कई लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, किसी को क्या दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ये पूछो. अभी ये मुझको ये बता दो पहले, कितने लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट कर दिया, एक बार बस हैंड रेस कर दो अपना, सो दैट आई नो कि ज्योग्राफी चल रहा है तुम लोग का. काफी लोग हैं, गुड. ठीक है, वेरी गुड. अभी मुझको ये बताओ कि इश्यूज क्या आ रहे हैं, जैसे आई थिंक आदित्य ने हैंड रेस किया था पहले, बताना. सर 11th क्लास में सर मैंने पढ़ ली है, अब सर जब मैं 12th क्लास में मूव करा तो सर मुझे डेटा का पूछना था इसके अंदर. सर डेटा इसके अंदर 2016-2017 तो गिवन है, जैसे सर सर ये रावी क्रॉप्स डेटा बेटा सर आकर और देखो, मतलब एटलीस्ट अगर तुम हमेशा एक चीज याद रखो, डेटा इज ऑलवेज कॉन्टेक्चुअल. ठीक है, एब्सोल्यूट डेटा का कोई रिलेवेंस नहीं है. अब लेट अस से 2016 में इंडिया ने इतने मेट्रिक टन्स राइस प्रोड्यूस किया था, कोई रिलेवेंस नहीं है उसका. डेटा कौन सा याद रखना बेटर होता है, जो करंट न्यूज में चल रहा है. ठीक है, लेट अस से इंडिया ने क्या किया था, वाइट राइस के एक्सपोर्ट में बैन वैन लगा दिया था क्योंकि ये सब हो रहा था वो सब हो रहा था. तो बस तुमको पता होना चाहिए उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा था, इससे रिलेटेड डेटा तुम याद रख सकते हो, बस दैट्स इट. अगर आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है तो आप कंपैरेटिव डेटा यूज कर सकते हो कि इंडिया किस नंबर पे वर्ल्ड में, आपको मे बी एग्जैक्ट जीडीपी नहीं याद है इंडिया का, बट रैंकिंग याद होगी, उसको यूज कर लो. तो डेटा हमेशा करंट यूज करना बेटर रहता है, एंड अगर बहुत पुराना डेटा है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, यू कैन कंफर्टेबली इग्नोर दैट, कोई फायदा नहीं उसको याद रखने का. ठीक है, एंड हमेशा ये चीज याद रखो, हमेशा सबको मैं फिर से बता रहा हूँ, डेटा कौन सा याद रखना है भाई, डेटा वो याद रखना है जो करंट अफेयर्स में चल रहा है. सारी डेटा ना तो याद रखना जरूरी है ना याद रख पाओगे, तो जो सेलेक्टिव डेटा तुमको याद रखना है
विच अपियर्स इन द न्यूज अगेन एंड अगेन, बस वो याद रखो। अभी तक इसराइल गाजा वॉर में कितने सिविलियंस मारे गए भाई, इसका कोई जरूरत नहीं इसको याद रखने की, ठीक है। बट हैव एन एस्टिमेट कि मोर देन 40,000 सिविलियंस हैव डाइड इन द इसराइल गाजा वॉर सो फार, इस टाइप से डेटा याद रखो, 40,451 इट्स नॉट नीडेड, ठीक है। हाँ कुछ पूछ रहा था भाई राकेश, पूछ लो ऐसी। सर वो एनसीईआरटी बुक करके क्या पाते है, उसमें न्यू एडिशन और ओल्ड एडिशन के बुक्स दिए हुए सर, उसमें अपडेट एनसीईआरटी के। जैसे मैं कमेंट्स ही पढ़ लेता हूँ भाई क्योंकि मेरी वॉइस तो, न्यू बुक्स में अपडेटेड डेटा है भाई, देखो आई हैव नॉट सीन द न्यू बुक्स तो मैं बता नहीं सकता उन्होंने ऐसा ना किया कोई, ठीक है ऐसा ना किया हो कि यार इम्पोर्टेंट कोई चीज उड़ा दी हो, ठीक है बस वही बात है, बाकी तो ठीक है। आई थिंक एनसीईआरटी में दिया डेटा तो याद रख लो, अदरवाइज उसकी जगह न्यूज़पेपर से याद किया करो, जो विजन आईएस का मैगजीन पढ़ोगे एंड न्यूज़पेपर से देखोगे सारा वाइटल डेटा उसमें मिल जाएगा जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। सर वो इकोनॉमिक्स के बुक में बहुत डेटा दिया हुआ था ना, तो उसमें लेटेस्ट डेटा देख लेते हैं, ठीक है भाई जहां से भी देखना हो बट मेक इट कॉन्टेक्चुअल, जरूरी नहीं कि सब कुछ याद रखो, ठीक है। और किसका क्या है भाई प्रॉब्लम जो ज्योग्राफी में आ रहा है, एक तो डेटा वाला पॉइंट था, डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स वो बता दिया है। इफ समवन एल्स हैज अ क्वेरी और समथिंग टू ऐड, नहीं है तो आई विल जस्ट टॉक इन ब्रीफ अबाउट नोट्स मेकिंग। कई लोग हैं जो नोट्स वगैरह का पूछते रहते थे कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, तो उसके लिए भी आई हैव समथिंग टुडे, दिखाता हूँ, आई विल जस्ट शो यू। भाई सबको विजिबल है? ज़ूम कर दो थोड़ा सा। नहीं सर। हाँ ज़ूम करूंगा, रुक जा जस्ट वेट, आई नो दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा वो भाई यूट्यूब पे बाद में देखना। तो पॉइंट क्या है, आई ऑलवेज से कि डिटेल नोट्स नहीं बनाने, नोट्स कैसे बनाने दिस आई विल शो यू, ठीक है। तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी जिससे मैंने नोट्स बनाए थे, तो दिस इज हाउ यू आई यूज टू मेक नोट्स, की ऊपर ही मैंने लिख लिया यार जो जो जरूरी लगा मुझे इस पेज पे, ठीक है। कोई अलग से किसी कॉपी में मैंने कुछ नहीं लिखा है, उस पेज पे जो जरूरी जगह लिखी जो मुझे अच्छा लगा मैंने ऊपर लिख दिया इस टाइप से, ठीक है। इसके अलावा अंडरलाइन मार्किंग ऐसे कर लिया करो सो दैट यू नो वेयर टू फोकस योर अटेंशन व्हाइल रिवाइजिंग। इसके बाद जैसे एक दूसरा ये पेज है, अब इसमें भी मैंने ऐसे ही दिखाया दिया कि बालाजी राव थे, फिर उद्धव राय कोई जो भी है, आई डोंट रिमेम्बर कि वो क्या था एग्जैक्टली। माय पॉइंट इज कि तुम फ्लोज वगैरह भी ऐसे दिखा सकते हो कि सक्सेशन में कौन किसके बाद आया हुआ है, ठीक है। जैसे इससे देख के पता चलता है कि कोई रघुनाथ राव प्लस ब्रिटिश थे, फिर उन्होंने डिवाइड कर दिया, माधव राव के बाद बाजीराव आया, तो इस तरह की भी इंफॉर्मेशन दिखा सकते हो इफ यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज करेक्टली। अब ये उसका है, पता नहीं पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज मेरी स्क्रीन पे तो क्लियरली आ रहा है। तो अब ये वो भगत सिंह और उस टाइम वाले जो था 1927 से 47 स्ट्रगल फॉर स्वराज वाला चैप्टर है, तो उसमें मैंने दिखा दिया भाई जो मुझे उस पेज में जरूरी लगी चीजें। तो हर चीज के हर सब्जेक्ट के ऐसे ही नोट्स बना सकते हो। जैसे अब ये देखो 1930 में चितागोंग आर्मरी रेड हुआ था, उसमें सूर्य सेन इन्वॉल्व थे। इसके बाद ग्रुप एक्शन कॉल हुआ है, उसकी मेजर बात क्या थी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन बंगाल स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से ही नोट्स बनाते हो, मतलब मैं तो ऐसे ही बनाता था एंड दिस वॉज फ्रूटफुल बिकॉज ये सारी चीजें सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आ जाती थी। मे बी अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग, जिसमें चितागोंग आर्मी रेड और चार पांच और इवेंट्स दे के उनके ईयर्स दे सकते हैं, या फिर मे बी किसी इवेंट से रिलेटेड कोई नेम दे के आपसे पूछ सकते हैं। तो इसी हिसाब से नोट्स बना लो सो दैट यू डोंट हैव टू रिफर टू अ सेपरेट नोटबुक, ठीक है। ऐसे ही मार्जिन में लिखते जाओगे तो हो जाता है यार, एंड दिस इज मतलब इसी से रिवाइज भी कर लेते हो, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही करता था यार, ठीक है। अब जैसे नीचे देखोगे पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 के कितने दो ही रूल थे, ठीक है। तो बस ऐसे है यार, मतलब नोट्स मेकिंग। अब जैसे चैप्टर के एंड में ज्यादा जगह रहती थी तो वहां पे मैं पूरे चैप्टर की इस टाइप से समरी बना लेता था,
जो जो उस चैप्टर में मुझे ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है वो मैंने उसी के लास्ट में लिख दिया है, ठीक है। माय पॉइंट इज कि सबको अभी क्लियर हो गया है क्या कि किस तरह से अप्रोच करना है नोट्स मेकिंग को, ठीक है। ये जो अभी मैंने आप लोग को दिखाया है दिस यू कैन अप्लाई फॉर एवरी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी में भी सेम काम कर सकते हो। अगर आपको किसी मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरीज दी हुई है तो जस्ट लिस्ट इट डाउन देयर, ठीक है। मैपवर्क में तो कर ही लेना, बस जैसे गंगा लिख दिया उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है लिखते जाओ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पहले यमुना आ जाएगी, घाघरा, गंडक, कोसी, जो भी है लिख देना, ठीक है। और लेटेस्ट से कि आपको पता है कि वार्म करेंट्स कौन कौन से हैं, किसी चैप्टर में आप पढ़ रहे हो, वार्म करेंट्स का एक लिस्ट चैप्टर के एंड में लिख देना, कोल्ड करेंट्स का एक चैप्टर के एंड में लिस्ट लिख देना, सो दैट आपको अलग से कुछ और उठाने का जरूरत नहीं जब आप रिविजन करो एग्जाम के दिन पहले। अगर आप इस तरह के नोट्स बनाओगे प्लस अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग का सही यूज कर रहे हो, वन सब्जेक्ट कैन इजिली बी रिवाइज्ड इन टू और थ्री डेज जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, तो 15 डेज में आपका एक ओवरऑल रिविजन हो सकता है। अगर आप एक्सपेंसिव नोट्स बनाने लग जाओगे कि भाई मैं तो सब कुछ लिख दूंगा जो मुझे अच्छा लग रहा है, तो रिविजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। एंड मैं सीधे बुक से रिवाइज करता था, ठीक है, वो भी हो जाता है पॉसिबली समवन एल्स फील्स कि नहीं यार बुक में नहीं हो पाएगा मेरा काम, तो बहुत कॉम्पैक्ट नोट्स बनाना, जैसे मैंने दिखाया था कि पूरे पेज का जिस्ट बस 2-3 lines, 4 lines में हो जाता है, दैट इज टोटली पॉसिबल, उसी टाइप से ही बनाना नोट्स। तो आज के वीसी में इतना ही था मेरी तरफ से, इफ समवन एल्स वांट्स टू डिस्कस सम अदर थिंग, ओवरऑल कोई क्वेरी है, डाउट है, तो यार जस्ट ब्रिंग इट ऑन एंड डील करते हैं। आदित्य एंड बीमन, बीमन पूछना। सर मेरे पास तो आई हैव टू डाउट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इज जो आपने अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो नोट्स मेकिंग के जो दिखाया है, तो लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो करना लाइक इज इट गुड टू डू और यू कैन स्किप इट? यार डोंट सिट डाउन एंड राइट द आंसर्स, जस्ट रीड द क्वेश्चन, टेस्ट योरसेल्फ कि डू आई हैव सफिशिएंट नॉलेज, क्या मुझे ये चीज समझ में आ रही है, क्या मैं इसको आंसर कर पाऊंगा, और मे बी यू कैन जस्ट राइट अ स्केलेटन आंसर जिसमें तुम मेन पॉइंट्स लिखते हो बस, बट डिटेल्ड आंसर लिखने मत बैठ जाना, फालतू का टाइम वेस्ट होगा एंड मे बी दे वोंट इवन एवर बी आस्क्ड इन द एग्जाम, तो व्हाई वेस्ट योर एफर्ट्स, बस यूज देम टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, बस दैट्स इट, उसको सॉल्व या लिखने की जरूरत नहीं है। इट विल फील गुड, इट विल फील प्रोडक्टिव, व्हाई यार मैं तो आंसर राइटिंग कर रहा हूँ हिस्ट्री की, बट यू नॉट अपीयरिंग इन योर बोर्ड एग्जाम्स ना, ठीक है। और पूछो सेकंड डाउट क्या था तुम्हारा? सेकंड क्वेश्चन, सपोज सर आप आपका एग्जाम आ गया है, लाइक यू आर इन द स्टूडेंट फेज, तो लाइक आपके जो ज्योग्राफी के लिए आप क्या बुक्स वो करेंगे, रिवाइज करेंगे, कौन से बुक्स करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आपने बोला कि आपने बुक में ही नोट्स करेंगे, तो लाइक कौन से करेंगे, लाइक 11 12 और जीसीएल या क्या क्या बुक्स है आपके पास? भाई जो बुक्स तुमने पढ़ा है यू शुड रिवाइज ऑल ऑफ देम। देखो यार सिंपल सा एक चीज रखो, रीड ओनली व्हाट यू कैन रिवाइज, ठीक है। अगर तुम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो कि मैं इसको रीड करके छोड़ दूंगा, ऑब्वियसली दिस विल नॉट अप्लाई टू द न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर को तो पढ़ के छोड़ देते हैं, ठीक है। बट लेट अस से यू रीड 6 डिफरेंट बुक्स ऑन ज्योग्राफी और तुम उसमें से केवल 2 रिवाइज करके जा रहे हो, आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि इस वीक का पढ़ा हुआ नेक्स्ट वीक ही याद नहीं रहेगा, एंड 90% तो आज का कल ही याद नहीं रहेगा, तो वो याद रहे, इसीलिए तो यू कीप ऑन रिवाइजिंग दोस थिंग्स, ठीक है। तो रीड व्हाट यू कैन रिवाइज एंड एग्जाम से पहले इट इज नेसेसरी दैट यू रिवाइज व्हाटएवर यू रेड द होल ईयर, ठीक है। अदरवाइज व्हाई रीड इट एट ऑल, अगर याद ही नहीं रहेगा तो फायदा क्या हुआ उसका, समझ गए क्या बता रहा हूं? Yes. तो माय एडवाइस इज समवन हैज रेड ओनली, हाँ मैं तुम्हारे एग्जैक्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो जैसे मैंने कि लेक्चर में भी बोला हुआ है कि 9th से लेकर 12th तक का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बुक्स प्लस जो तुमने मैप वर्क किया होगा प्लस जो तुमने पीवाईक्यूज में जैसे ज्योग्राफी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो उसमें जो जो तुम्हारे गलत होंगे उसमें टिक किया होगा, हाईलाइट किया होगा कुछ की ये यहाँ पे मुझे डिफिकल्टी आई थी, दीस ऑल थिंग्स यू विल रिवाइज बिफोर द एग्जाम, ठीक है। 9th से 12th तक का एनसीईआरटी
मैप्स जो तुमने लेटर से 10-12 मैप्स हो जाएंगे लास्ट में जाके, जिसमें तुम्हारा करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक का रिफ्लेक्टेड होगा, प्लस पीवाईक्यूज जो तुमने मार्क किए ज्योग्राफी के एज इंपॉर्टेंट, इन सबको रिवाइज करोगे. एंड एग्जाम के जस्ट लेटर से 2-3 weeks बिफोर द एग्जाम ऑल ऑफ दिस प्रोसेस विल बी फिनिश्ड इन 2 or 3 days अगर तुमने अच्छे से दो कॉम्पैक्ट नोट्स प्लस मैप वर्क वगैरह किया हुआ है. ठीक है यस सर. तो भी अगर मैं पूछूं लाइक द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स इन द एनसीईआरटी, तो सर 9 और 10 तो सर एक बार में हो जाएगा, मतलब फर्स्ट सेटिंग में लाइक वी गेट एन रफ आईडिया अबाउट इट. बट इफ आई वांट टू आस्क लाइक द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स, क्योंकि सर 11 में 2 है, क्लास 12 में सर 3 है आई गेस, तो सर उनमें से कौन से बुक टेल्स यू. सुन भाई, ईच बुक टेल्स यू अ डिफरेंट स्टोरी ना, तो यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल टू ऑरेंजेस. ठीक है, जैसे एम लक्ष्मीकांत में तो क्या है पॉलिटी में कि एक ही टॉपिक है पॉलिटी, वही अलग अलग बुक में लिखा हुआ है. तो इफ यू वुड आस्क मी दिस क्वेश्चन पॉलिटी, आई वुड हैव सेड कि एम लक्ष्मीकांत सबसे जरूरी बुक है, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क में भी सेम चीज दी हुई है एनसीईआरटी की, एंड ऑलमोस्ट वो जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है उसमें भी जस्टिस लिबर्टी ये सब दिया हुआ है, तो ओवरलैपिंग कंटेंट है काफी सारा, समझ गए. बट ज्योग्राफी में तो भाई तुम्हें दिख रहा है यार कि एक फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है, एक वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, एक इंडिया की ज्योग्राफी, तो हाउ कैन यू कंपेयर दिस बुक्स. यस सर. ठीक है हाँ, तो मैं भाई आज हाँ अभी भी कुछ है पूछो यार. नहीं सर, वही मैं पूछ रहा चाह रहा था, आपने 9 टू 12 बोला, तो 9 और 10 तो हम उस हिसाब से स्किप कर सकते हैं, बिकॉज़ 9 एंड 12 का जो है वो तो 11th एंड सबसे इम्पोर्टेंट है, जीसी लेंगे से आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, बट सफिशियंट सफिशियंट तो भाई आई डोंट नो, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग. ठीक है, यूपीएससी जाने. आदित्य तुम पूछना भाई. सर अभी कॉलेज के एग्जाम्स और इंटरनल्स ये सब स्टार्ट हो गए, तो सर मैं ये बोल रहा था सर, जैसा आपने उसके अंदर टाइमलाइन में बताया था कि दिसंबर से जो हिस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो सर मेरे इकोनॉमी नवंबर के एंड तक खत्म हो जाएगी, सर ज्योग्राफी दिवाली तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद में सर मैं पॉलिटी उठाने वाला था. ठीक है, तो सर अभी थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा दिसंबर तक आते आते, कॉलेज के एग्जाम भी सर कंटिन्यू, तो मैं सर ये कह रहा था कि हिस्ट्री की जगह सर अभी कुछ एक महीने के लिए कुछ ऐसा थोड़ा इजी सब्जेक्ट ले लूं, फिर जैन से फेब तक मैं हिस्ट्री कर लूंगा 2 महीने के अंदर. कर सकते हो यार, यू कैन इम्प्रोवाइज, बट देखो टाइम भी रहेगा हमारे पास लेट में, लेटर ऑन रिविजन के लिए. यू कैन ऑलवेज इम्प्रोवाइज एंड एडजस्ट योर ओन शेड्यूल, बट छोड़ना मत कुछ भी, बिकॉज यहाँ पे जो छोड़ोगे वो लास्ट तक छूटा रहेगा, छोड़ना नहीं है कुछ. ठीक है ओके भाई, और किसी का डाउट है? हाँ, पूछना सर. ज्योग्राफी के अंदर सर मतलब बुक्स याद हो गई, मतलब ऑलमोस्ट ना सर 11th की इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, सर ये दो ह्यूमन और इकोनॉमी है ये जो याद नहीं हो पाई है, अब सर याद होने का ऐसा मतलब है कि याद हो नहीं गई, मतलब थोड़ा कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है, तो सर अभी इनको मतलब डिले कर दूं या धीरे-धीरे कर दूं, या फिर क्योंकि अब सब्जेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है ज्योग्राफी में. भाई देखो ये ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ना पॉइंट्स आर वेरी सब्जेक्टिव, मतलब वो ज्यादा सब्जेक्टिव बुक्स है, तो तुम्हें हर एक टॉपिक का ना यू विल नीड टू मेक अ वेरी लेट अस से अ फ्लो चार्ट और अ माइंड मैप काइंड ऑफ थिंग, सो दैट वो जो 10-12 पैराग्राफ में वो 2-3 बड़ी चीजें बोल रहा है, यू आर एबल टू कंडेंस देम एंड रिड्यूस इट टू अ फ्यू वर्ड्स, तो डू दैट फॉर एवरी चैप्टर, और केवल उसको याद करना जो तुमने उसका वो बनाया है डिस्टिलेट. ठीक है, जो भी उसका वॉट एवर डिस्टिल आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट इज वॉट यू हैव टू रिमेम्बर. डेटा एज आई सेड बिफोर, जो करेंट में चल रहा है वो डेटा याद रख लो, पुराना डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है. अब उसमें उसने जब मेरे ख्याल से बुक पब्लिश हुई 2014-15 में, उस टाइम का इंडिया का HDI दिया होगा, तो डू नॉट उसको तो पढ़ो ही मत यार, लेकिन मेथडोलॉजी क्या है, लॉजिक क्या है, हाउ वाई इज HDI इम्पोर्टेंट, उसका क्रिटिसिज्म क्या है, ये सारी चीजें जरूरी है. ठीक है ओके सर. सर एक और डाउट सर इसी के कंटिन्यू था,
सर अब जैसे सर दोनों के यूनिट वन ऑलमोस्ट सेम है सर, इसके अंदर भी पॉपुलेशन वाले बात करी गई और उसमें भी पॉपुलेशन वाले बात, तो इनको सर मर्ज करके मतलब बना लूं एक चीज ही। बिल्कुल यार बिल्कुल कर लेना, बट मेक श्योर बहुत लंबा मत बना लो कि रिवाइज ना हो पहला लास्ट टाइम पे, ठीक है? जी जी सर। जो भी एनालॉगस चैप्टर्स हैं यू कैन इवन रीड देम टुगेदर आल्सो, दैट इज नॉट एन इशू, बट जो भी नोट्स बनाना वो ऐसे बनाओ कि रिवाइज हो जाए एग्जाम के पहले। ओके सर, ठीक है, ओके। एनीवन एल्स जिसका क्वेरी है, कुछ ऐड ऑन करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है, तो भाई अभी कर लो, बिकॉज इसके बाद कंक्लूड करते हैं एंड आई डोंट थिंक कोई है। सो आज के वीसी में हमने क्या क्या डील किया है, ज्योग्राफी का प्रिपरेशन थोड़ा इन डेप्थ बात कर ली है आज के वीसी से, इफ यू आर एबल टू टेक। हाँ भाई अमित तुम बताना। ये डाउट था कि जो मैथ्स की बुक है उसमें सर क्वेश्चन सारे लगाने हैं उसके, कि सीजीएल वाले सिर्फ लगा लो सारे, इन द सेंस कुछ एमबीए के क्वेश्चन है जो बहुत बहुत अपर लेवल चले जाते हैं भाई। अगर इन पर्टिकुलर वो आर एस अग्रवाल वाली बुक की बात कर रहे हो तो हाँ, आर एस अग्रवाल ही है सर, मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। उसने क्या किया हुआ है कि आई थिंक उसने ऐसा किया है कि तुम्हें पहले कंसेप्ट बताया फिर उसके सॉल्व एग्जांपल दिए, तो अगर जी सर हाँ तो अगर तुम सर... उसमें उसके सॉल्व हाँ भाई पूछो। हाँ सर बोलिए बोलिए आप सर बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ भाई उसके एंड ऑफ द चैप्टर के क्वेश्चन लगाने जरूरी नहीं है, तुमने अगर उसके सॉल्व एग्जांपल अच्छे से कर लिए दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? कंसेप्ट समझ लो प्लस जो एग्जांपल सॉल्व करके उसने दिखाया है बस वही लगा लो, उसके अलावा बाकी एंड के मत लगाओ, बिकॉज पीवाईक्यूज वगैरह लगाओगे तो उससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जानी है उस चीज की, ठीक है? ओके सर। केवल कंसेप्ट समझ लो भाई, एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लो उसके, और एक्चुअल अपना देखने के लिए कि मतलब अगर इफ यू वांट टू प्रैक्टिस क्वेश्चन तो बस पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन सीएपीएफ में उस वैसे नहीं आते हैं कि तुम्हें एमबीए लेवल की आनी चाहिए, कंसेप्ट तो सेम ही होता है, तो कंसेप्ट तुमने यार उसके एग्जांपल से प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है? तो बस उतना ही कर लो एंड चैप्टर के एंड के क्वेश्चंस लगा के रहने दो लगाने को, इवन बाकी एग्जाम से भी क्वेश्चन लगाने जरूरी नहीं है, मत करना, केवल सीएपीएफ के पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो। सर एक और क्वेश्चन था सर, क्या 98% एक्यूरेसी अचीव की जा सकती है मैथ में? प्रैक्टिकल है ये, अगर मैं इस स्ट्रेटजी को लेके चलूं मैथ में तो? भाई बिल्कुल पॉसिबल है यार, मेरा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था मैथ्स का, प्लस उस टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वैसे नहीं आते थे, बट मेरा तो सारे सही थे मैथ्स के क्वेश्चन। इस बार के पेपर तो लेंथी आया था, लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा थी, क्वेश्चन तो इजी थे जो मैथ्स के टीचर को दिखाए थे, ठीक है? कह रहे थे कि हमें लैंग्वेज खींच दी गई, एक्सटेंड कर दी गई, ये क्वेश्चन वही है, सिंपल बेसिक मेथड्स है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। कह रहे भाई देखो कंसेप्ट कोई नया नहीं आने वाला है, ठीक है? कंसेप्ट वही सेम ओल्ड रहेंगे, बट एक चीज हमेशा सभी के लिए पॉइंट है, जस्ट कीप इन योर माइंड कि अगर इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल इनफ बिफोर हैंड, ठीक है, तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू परफॉर्म बेटर देन अदर पीपल, नो मैटर कैसा क्वेश्चन पेपर आ जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं कि किसी साल में पेपर इजी आ जाता है तो सर कट ऑफ ज्यादा चला जाता है, किसी साल पेपर टफ आता है सब लोग बोले इस साल का पेपर टफ था तो कट ऑफ नीचे जाएगा, बट यू हैव प्रिपेयर्ड बेटर देन अदर्स सो यू विल परफॉर्म बेटर देन अदर्स, बस इतनी सी ही बात है। लास्ट मिनट पे जाके पैनिक करके ओवर एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके चीजें खराब नहीं करनी है, अभी जो टाइम मिल रहा है उसमें अच्छे से तैयारी करते चलो, कोई भी चीज हवे में से नहीं बन के आने वाली है, इट्स नॉट गोइंग टू कम आउट ऑफ थिन एयर, इट्स नॉट गोइंग टू कम आउट ऑफ नोवेयर। जो भी तुम पढ़ के जा रहे हो वॉट एवर यू हैव रेड वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू उसी से ही आएगा, तो जस्ट मेक श्योर व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ दैट इज अप टू द मार्क,
ऑफ एग्जाम, तो अपने आप हो जाएगा भाई, नो नीड टू वरी कि क्वेश्चन कैसा आया था, पेपर कैसा आया था। बट जो भी अभी टाइम है इसमें हार्ड वर्क करते चलो, ठीक है जी? जी सर, हाँ अभी ट्रेजेक्टरी पकड़ लिए सही, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, टाइम है अच्छा खासा, तो मैथ्स को तो रेगुलर एक घंटा मिल रहा है सर, बाकी तो थोड़ा और मैनेज करके बस वही आ जाएगा सर, 10-12 दिन के अंदर अंदर पूरा ढंग से फुल फ्लेज्ड स्टडीज पे सर, फिर कॉलेज भी खत्म होने को ही है, क्योंकि पेपर आ जाएंगे नवंबर दिसंबर में तो कॉलेज भी नहीं जाना, तो हाँ मैथ्स आने लगी सर काफी हद तक पहले। ठीक है सर, किसी ने एक क्वेश्चन और पूछा था, बुक का पूछ रहा था सर, वो मैथ्स की बुक का बता दे, जिसने मैसेज बता दे, आरएस भाई, आरएस अग्रवाल है, नया एडिशन लेना, पुराना मत लेना, पुराने में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कट हैं, जो मैथ्स के टीचर भी यही कह रहे हैं, सर का भी यही था कि अपने लिए ठीक है, बाकी करंट अभी से ही करना चालू कर दो भाई, लिंक शेयर कर देना उसका ग्रुप में इसके बाद, ठीक है? हाँ सर, मैं फोटो भेज दूंगा सर। ठीक है, राकेश भाई पूछना यार, तुमने हैंड रेज किया हुआ है। विजन वो सिलेक्ट ही पढ़ना है या पूरा अभी भी? क्या विजन है इसका मैगजीन? भाई तुम्हारा वॉइस तो नहीं आ रहा है, बट आई होप कि तुम्हारा क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ। विजन आईएस का मैगजीन पूरा पढ़ना होता है, उसमें स्किप मत करने लग जाना, ठीक है? स्किप करने का मतलब ये है कि भाई ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट, ये सब मार्क करते चलना, बट एटलीस्ट कवर टू कवर पूरा पढ़ो उसको, ठीक है? तो ठीक है, और भी कोई क्वेरी है किसी का? नहीं है तो कंक्लूड करते हैं। तो जो मैं पहले समराइज कर रहा था कि आज के वीसी से इफ यू विल स्टार्ट मैप वर्क एटलीस्ट, कि आज से तुमने ये डिसाइड कर लिया कि ज्योग्राफी जब भी पढ़ रहा हूं, कुछ भी ऐसी चीज आ रही है व्हिच आई कम अक्रॉस व्हिच इज रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल पोजीशन, अगर आप उसको मैप पे प्लॉट कर रहे हो, बहुत ज्यादा एडवांटेज रहेगा इन द फाइनल एग्जाम। प्लस नोट्स मेकिंग, आज मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया, आई विल शेयर द फोटोज इन द रिसोर्स ग्रुप एज वेल। तो कोशिश करो कि कंसाइज नोट्स बनाओ व्हिच यू कैन रिवाइज बिफोर द एग्जाम। मैं बुक में ही लिख लेता था, तुम्हें बुक में नहीं लिखना, यू कैन कीप अ सेपरेट नोटबुक, बट छोटे ही नोट्स बनाओ जिसको रिवाइज कर पाओ, एंड मेक नोट्स बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द एग्जाम। तुम अगर एक टॉपिक को लेके 1000 वर्ड्स का एक ऐसे लिख लेते हो इन योर नोट्स, दैट इज नॉट बेनिफिशियल, ठीक है? ऑलरेडी बुक में टेक्स्ट दिया हुआ है, उस टेक्स्ट का टेक्स्ट कॉपी मत करो, ठीक है? उससे जो इंपॉर्टेंट चीजें वो डिस्टिलेट करके बहुत ही कॉम्पैक्ट सा कुछ लिख लो, सो दैट सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कवर हो जाए। एंड अगर एक पेज का समरी तुमने लेटर से हर पेज पे 2 या 4 लाइन में दिखा दिया है, तो इट इज वेरी इजी टू रिवाइज, ठीक है? तो विद दिस आई विल कंक्लूड द वीसी, थैंक्स फॉर अटेंडिंग, और नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं, ठीक है? टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।